हाय गाइस, मेरा नाम है विजय। गाइस, पोको ने इंडियन मार्केट में उनका एक लेटेस्ट स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, पोको एफ सीरीज का पोको F4 5G। गाइस, ये डिवाइस काफ़ी इंटरेस्टिंग है अपने प्राइस अकॉर्डिंग, क्योंकि जो उस प्राइस सेगमेंट में चिपसेट आ रहा है ना, वो है स्नैपड्रैगन 870। लेकिन गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोको F4 5G वर्सेस Redmi Note 11 Pro Plus 5G। एक्चुअली में Redmi Note 11 Pro Plus 5G जो है कुछ टाइम हो चुका है, लेकिन अभी भी जो है अपने प्राइस सेगमेंट अकॉर्डिंग जो है 20,000 रुपए के आसपास काफी इंटरेस्टिंग डिवाइस है। गाइस, इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्या आपको Redmi Note 11 Pro Plus 5G परचेस करना चाहिए 20,000 रुपए के आसपास, या फिर जो है थोड़ा बहुत और यहाँ पे जो है अपने बजट को इंक्रीज करके पोको F4 5G की तरफ जाना चाहिए। गाइस, डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो गाइस, आपको बता दूं, जो पोको है और रेडमी है, ये हम सभी को पता है कि ये दोनों आपस में भाई बंधु हैं, और यहां पे जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, वो दोनों ही फोन की ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। कुछ कुछ यहां पे चेंजेस कर देते हैं पोको वाले, लगभग जो है ऑलमोस्ट रीब्रांड फोन ही होते हैं। और एक्चुअल में क्या है, जो पोको F4 5G है वो भी चाइना में लॉन्च रेडमी के किसी फोन का जो है रीब्रांड है, लेकिन हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में जो है ये किसी फोन का रीब्रांड तो नहीं है, लेकिन हाँ, कंपटीशन जो है जरूर से देता है अपने Redmi Note 11 सीरीज को। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। ये है Redmi Note 11 Pro Plus 5G का डिजाइन, और ये है Poco F4 5G का डिजाइन। गाइस देखो, डिजाइन में ये दोनों ही फोन एकदम तो सिमिलर नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर है। सिर्फ यहाँ पे कैमरा मॉड्यूल थोड़ा सा चेंज किया गया है, लेकिन डिजाइन में यहाँ पर जो है लगभग ये फोन सिमिलर है। गाइस, बात करते हैं फ्रंट डिजाइन के बारे में। दोनों ही फोन है पंच होल स्क्रीन, 6.67 इंच का डिस्प्ले साइज है, और सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का फास्ट स्क्रीन रिफ्रेश रेट है। यहाँ पे बात करते हैं Redmi Note 11 Pro Plus के बारे में, 1300 निट्स के पीक ब्राइटनेस आपको देखने को मिलती है। वहीं बात करता हूँ पोको F4 5G की, 1200 निट्स के आपको पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पर डिस्प्ले में भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, लगभग आपको जो है सेम देखने को मिलती है। बैक डिज़ाइन की बात करते हैं, सिर्फ कैमरा मॉड्यूल हल्का सा चेंज है, अदरवाइज जो है आप यहाँ पर जो है पता भी नहीं लगा सकते कि यहाँ पर जो है पोको है या फिर जो है रेडमी है, अगर ब्रांड नहीं, जो ब्रांडिंग जो नेम है अगर वो नहीं हो तो। और गाइस, अगर हम बात करते हैं इन दोनों ही फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, तो जो मेजर पॉइंट है ना, जो चेंजेस है वो यही है परफॉर्मेंस, क्योंकि जो पोको F4 5G है वहां पर यूज किया गया है चिपसेट, वो है स्नैपड्रैगन 870, जो कि 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी में बेस्ड है, एक फ्लैगशिप किलर चिपसेट है। मतलब फ्लैगशिप चिपसेट है वो, उस प्राइस सेगमेंट में जो है फ्लैगशिप किलर फोन बन जाता है। गाइस, परफॉर्मेंस में कोई भी आपको कमी देखने को नहीं मिलेगी, पोको F4 5G के अंदर काफी अच्छा परफॉर्मेंस जो है प्रोवाइड करता है। लेकिन एक्चुअल में अभी तक हमने इस वाले फोन को टेस्ट नहीं किया गया है, लेकिन हम परफॉर्मेंस के बारे में चिपसेट की बात करते हैं, तो चिपसेट नो डाउट आपको काफी अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। और वहीं बात करते हैं हम Redmi Note 11 Pro Plus के बारे में, तो वहां पर भी कोई कम चिपसेट नहीं है, MediaTek का Dimensity 920 चिपसेट है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। ओवरऑल जो है गुड है, 6 नैनोमीटर पे बेस्ड है Dimensity 920, लेकिन अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें तो स्नैपड्रैगन 870 जो है काफी ऊपर निकल जाता है परफॉर्मेंस के मामले में। तो यहां पर परफॉर्मेंस बहुत ही बड़ा यहां पर रोल प्ले कर रहा है पोको F4 5G के लिए, जो कि काफी बेहतरीन है। और गाइस, अगर हम बात करते हैं इन दोनों ही फोन के कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में, देखो एक्चुअल में इन दोनों ही फोन के अंदर ट्रिपल कैमरा सेटअप जो है यूज किया गया है, लेकिन पिक्सल में जरूर से आपको फर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि जो Redmi Note 11 Pro Plus 5G है वहां पर पिक्सल है 108 एमपी साथ में, जो कि अपर्चर लेंस से फोकल लेंस F1.9 साथ में जो है यहां पर काम करता है यहां पर लेंस। लेकिन अगर हम बात करते हैं पोको F4 5G के बारे में, वहां पर है 64 एमपी साथ में, अपर्चर काम करता है F1.8 के साथ में। यहां पर नो डाउट दोनों ही फोन का कैमरा परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन पिक्सल क्वालिटी में आपको फर्क देखने को मिलेगा। नोट 11 प्रो प्लस 5G जो है बेटर परफॉर्म करता है यहां पे पिक्सल के मामले में, लेकिन अगर डार्क लाइट की बात करते हैं तो वहां पर जो है दोनों ही फोन एक अच्छा काम करने वाले हैं। एंड सेकंड और थर्ड वाले जो कैमरा है वहां पे कोई चेंजेस नहीं है, 8 एमपी का अल्ट्रा वाइड है, 2 एमपी का जो है मैक्रो लेंस है, तो वहां पर जो है कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलता है। और अगर फ्रंट कैम की बात करते हैं, 20 एमपी का है यहां पे फ्रंट कैमरा पोको के F4 5G के अंदर, और 16 एमपी का कैमरा है Redmi के Note 11 Pro Plus 5G के अंदर। तो गाइस, यहां पे ये डिफरेंस आपको देखने को मिलता है कैमरे के अंदर,
लगभग सेम है, कोई ज्यादा मेजर फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। और गाइस वहीं अगर हम बात करते हैं इन दोनों ही फोन के बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में, 4500 एमएच के दोनों ही फोन अंदर आपको बैटरी देखने को मिलती है। और साथ में अगर हम चार्जिंग आउटपुट के बारे में बात करते हैं तो 67 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट करता है जो कि है पोको F4 5G। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि रेडमी जो नोट 11 प्रो प्लस 5G है वहां पे आपको 120 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है और इनबॉक्स में भी आपको वही चार्जर देखने को मिलता है। तो गाइस ये जो डिफरेंस है ना, तो ये जो है मेजर डिफरेंस है। जैसे कि हमने देखा कि यहां पे आपको चार्जिंग का फर्क देखने को मिल रहा है, परफॉर्मेंस में फर्क देखने को मिल रहा है और कैमरे में जो है माइनस का फर्क देखने को मिल रहा है। एंड अगर सिक्योरिटी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो इन दोनों ही फोन के अंदर आपको मिलता है साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर। अदरवाइज जो है यहां पे ब्रांड वैल्यू थोड़ा सा फर्क है। मी यूआई आपको वर्जन पे वर्क करते हैं दोनों ही फोन, लेकिन पोको वाले फोन के अंदर जो है पोको लॉन्चर आता है, तो फिर बस जो फर्क है वो यही है। यूजर इंटरफेस के अंदर कोई ज्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलता है। तो गाइस ये था आज की वीडियो में, उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। जरूर से वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। आप मुझे कमेंट करके बताना क्या आप थोड़ा बहुत अमाउंट और ऐड करके जो है पोको F4 5G लेना पसंद करोगे या फिर जो है रेडमी नोट 11 प्रो प्लस लेना पसंद करोगे। जो भी आपके माइंड में हो आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। और गाइस सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स देखने को मिलते रहेंगे। इतना ही था आज के वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में।